नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। सीतापुर में आज तहसील परिसर में एक बड़े फर्जी बाड़े का खुलासा हुआ है। इस फर्जी बाड़े में तहसील परिसर में संचालित एक लोकवाणी केंद्र में युवक ने स्वयं लेखपाल के फर्जी हस्ताक्षर कर पारिवारिक लाभ योजना के फार्मों को अग्रेसित कर दिया है। इसी क्रम में आज तहसीलदार सदर के द्वारा जब जांच की गई तो पता चला कि लोकवाणी में कार्य करने वाले मनोज फर्जी रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके उन पर लेखपाल के सिग्नेचर कर उन्हें अग्रेसित कर दिया था। उपरोक्त प्रकरण में एसडीएम अमित भट्ट के द्वारा बताया गया है कि इस फर्जीवाड़े में कुछ और लोग भी संलिप्त हो सकते हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है तथा इनके मिलने पर इनके भी विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह भी बताया कि उपरोक्त फर्जी बाड़े में अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्त में लिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये पारिवारिक लाभ योजना के कुछ आवेदन पत्र आए हुए थे जिसमें लेखपाल द्वारा साइन नहीं की गई थी। एक लोकवाणी का ये जो अभियुक्त है मनोज कुमार, इनके द्वारा 7 फार्म में स्वयं साइन करा के उसको अधिसारित करा दिया गया। मामला संदिग्ध था, पूर्व में भी इसकी जांच के निर्देश दिए गए थे क्योंकि कई शिकायतें इस तरह की आ रही हैं कि आवेदन जो है कुछ फर्जी हो। आज जब तहसीलदार सदर के द्वारा जो है इसकी जांच पड़ताल की गई, लेखपाल से पूछा गया तो एक लोकवाणी का ये मनोज कुमार है, इसके द्वारा बताया गया कि यह पेंट करके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और लोगों का गलत तरीके से आवेदन जो है अगर सारी ऑनलाइन करा देता है। इससे जुड़े हुए कई और भी लोग हैं जिनके संबंध में जो है जाँच की जा रही है और उनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग भी पंजीकृत कराया गया। समाज कल्याण विभाग में आपने छापा डाला था, उसमें भी चांदी लोगों समाज कल्याण अधिकारी से पूछताछ की जा रही है कि उनके यहाँ जो है ये जो जितने फार्म प्रसारित होकर जाते थे उनके जो पटल सहायक थे उनसे अभी जाँच पड़ताल होना बाकी है। कुछ लोग छुट्टी पर गए हैं, समाज कल्याण अधिकारी से भी बातचीत नहीं हो रही है और उसमें भी कई लोग जो हैं जांच पड़ताल के बाद जो है अगर उनकी भूमिका मिलती उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कराई जाए। कुछ और भी नाम निकल के सामने आ रहे हैं, नाम बताएं। जैसे जैसे नाम निकलेंगे तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई कराई जाएगी। थैंक यू।